सौभाग्यशील हूँ मैं कि मुझे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लड़ाकू संघर्षशील नेता का सानिध्य मिला और नीतीश कुमार जैसे ईमानदार नेता का प्रेम मिला। मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, इसके लिए कोटि कोटि सिर्फ धन्यवाद नहीं आभार भी प्रकट करता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को इन्होंने टिकट दिया जिसका संघर्ष से जुड़ा हुआ जीवन। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, किंग महेंद्र के निधन के बाद राज्यसभा की खाली सीट पर उपचुनाव लड़ने वाले जेडीयू उम्मीदवार अनिल हेगड़े निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। अनिल हेगड़े ने बिहार विधानसभा में सर्टिफिकेट लिया, यानी कि निर्वाचन का प्रमाण पत्र लिया। इस दौरान अनिल हेगड़े के साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे। सर्टिफिकेट लेने के बाद अनिल हेगड़े ने कहा कि पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का आभार व्यक्त करता हूं। अनिल हेगड़े ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसे संघर्षशील नेता का साथ मिला और नीतीश कुमार जैसे नेता का प्रेम मिला। पहले तो मैं पार्टी का माननीय नेता, पार्टी का नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और पार्टी के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति मैं आभार हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से उन्होंने उम्मीदवार बनाया और मुझे राज्यसभा मेंबर बनाया। निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए आप? जी, निर्विरोध निर्वाचित भी हो गए। लंबा संघर्ष रहा है आपका ये, और मेरा सौभाग्यशील हूँ मैं कि मुझे जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लड़ाकू संघर्षशील नेता का सानिध्य मिला और नीतीश कुमार जैसे ईमानदार नेता का प्रेम मिला। मैं लोगों को पर आभार हूँ। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ने इन्हें उम्मीदवार बनाया, इसके लिए कोटि कोटि सिर्फ धन्यवाद नहीं आभार भी प्रकट करता हूँ कि ऐसे उम्मीदवार को इन्होंने टिकट दिया जिसका संघर्ष से जुड़ा हुआ जीवन है और पार्टी ऑफिस में 12 बरस तक रह करके बिहार के हर पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और 14 बरस तक कोको कोला के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी रह करके उन्होंने काम किया। तो इस संघर्षशील नेता को नीतीश कुमार के द्वारा जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया और राज्यसभा ये जा रहे हैं, इनका संघर्ष का जो जीवन है, मैं समझता हूँ आगे भी जिस तरह से पहले काम करते थे काम करते रहेंगे। और विधायकों का भी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि सभी माननीय विधायकों ने इनको प्रस्तावक बनकर के इनको जिताने में मदद की और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भी अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे संघर्ष नेता के चयन में, चुनाव में निर्विरोध जाने देने के लिए जो उन सब लोगों का सहयोग रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद। उसके एजेंडे के हिसाब से, एजेंडा तय होता है उसके एजेंडे के हिसाब से बैठक होती है। आइए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि कब बैठक होगी कब बैठक नहीं होगी, वो तो मुख्यमंत्री कारण भी है कि आखिर बैठक कैसे नहीं, कैबिनेट की बैठक होती नहीं, कैबिनेट की बैठक होती रहती है। अब कैबिनेट की बैठक होगी भी, लेकिन अभी किन कारणों से नहीं हुआ है वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर मैं जानता हूँ कि कैबिनेट में जो प्रस्ताव आते हैं, प्रस्ताव अगर आ जाते हैं तो उसी हिसाब से बैठक आई। कल CM राजगीर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, किसी तरह के कार्यक्रम को संबोधित कर सकते हैं, किसी के भी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, इसमें क्या आपको कोई ऐतराज है? अब पता नहीं खबर कहाँ से चल रही है, हमारे विधायकों को भी मालूम नहीं है कि खबर कहाँ से चल रही है। कई विधायकों ने जो ये समाचार पत्रों में खबर चल रहे उसके बारे में हमसे जानकारी चाहा है, हमने कहा कोई इस तरह की खबर नहीं है और कोई निर्देश नहीं है और पता नहीं कहाँ से हवा में खबर चलती रहती है, तो हम लोग के समझ से भी परे हो जाता है।
तो ये खबर बेबुनियाद है, सच्चाई से इसका कोई संबंध नहीं है। और इस तरह की खबर चलाने वाले जो हमारे टेलीविजन्स हैं, मीडिया के जो साथी लोग हैं, उनको भी कम से कम पहले पूछताछ कर लेना चाहिए कि ये इसमें इस तरह की खबर है कि नहीं। तो इस तरह की खबर से समाज में एक तरह से पैनिक फैलता है, तो इस तरह की पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं। तो विधायक और पूरे पूरा का पूरा गठबंधन असमंजस में है कि आखिर क्या चल रहा है? नहीं, सबको मालूम है। जब हम लोग के पार्टी के विधायकों ने माननीय नीतीश कुमार जी को राज्यसभा के लिए अधिकृत कर दिया और पार्टी के क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, डे टू डे के खबर हमारे माननीय विधायकों को, सभी पार्टी के साथियों को मिलता रहता है, तो सारा जो खबर है उससे अवेयर है लोग, सारी खबर की जानकारी रहती है। लेकिन ये खबर कहाँ से चल रही है ये हम लोग खुद पता नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।